The next day. सर एक बात पूछनी थी, पहले ब्रिज के तकिए से नीचे उतर, अब बोल। सर हमें यहाँ किसने बुलाया? बुलाया तो किसी ने नहीं, पर जहाँ कोई खून होता है हम अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे साथ के इसकी मौत कैसे हुई? अबे तेरी क्या आंखें फूट गई हैं, दिख नहीं रहा है, गोली लगी है इसको। वैसे इसका कोई करीबी है क्या? है ना नोबिता की माँ। अरे तो उल्लू के पट्टे बुला उसको। A few moments later. अरे वाह क्या माल है, मेरा मतलब है क्या आपको कोई गोली चलने की आवाज आई थी? हाँ आई थी। तब कौन कौन था इस कमरे में? नोबिता और डोरेमोन। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है नोबिता ने ही डोरेमोन की मारी है, मेरा मतलब नोबिता ने ही डोरेमोन को मारा है। देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए कहिए। देखिए नोबिता, देखिए हमें मालूम है नोबिता आपका लड़का है, लेकिन वो एक खूनी भी है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं वो नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी अगर वो मिल जाए तो बैट का ग्रिप निकाल के ना। बस पता है वैसे कहाँ मिलेगा ये नोबिता? वो छपरी कॉलोनी के मैदान पे गया है। दया गाड़ी निकाल, भोसडी के गाड़ी कहाँ है हमारे पास, तो भागो जल्दी। A few moments later. क्या नोबिता कहाँ भागने की तैयारी हो रही है? आप लोग कौन है? तेरा बाप मतलब CID। बोल डोरेमोन को क्यों मारा तूने? मैंने नहीं मारा उसे। हाँ तुमने कहा मारा है, मारा तो हमने है, झूठ बोलता है मादर। क्यों मारा तुमने डोरेमोन को? वो तो तुम्हारे बाप समान, मेरा मतलब भाई समान था। अरे घंटा भाई था, वो 20 साल बाद मेरी शिजुका के साथ शादी करने वाला था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो मैंने टाइम टीवी पर देखा था। ये फिजूल की बातें डालो अपनी गाल में। अब हिलाते बैठना शिजुका की याद में, सिर्फ फांसी का ऑर्डर आने तक।